नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल माटी और मैं में। दोस्तों आज हम करेंगे फर्न की वुड माउंटिंग। फर्न बहुत ही वर्सेटाइल प्लांट है और आपने देखा होगा अपने नेचुरल हैबिटाट में, ये अगर सीली हुई कई बार नालियों में या पहाड़ों पे भी आपने देखा होगा, चट्टानों पे जहाँ पर झरने हों आसपास, वहाँ पर खूब फर्न आपको दिखते हैं। और वाइल्ड फर्न, वाइल्ड फर्न क्या है, वही फर्न है जिनको हमने घरों में डोमेस्टिकेट कर लिया है। तो ये फर्न क्या है ना, एपिफाइट्स हैं। एपिफाइट्स मतलब वही जंगल में पेड़ों पे चढ़, पेड़ों को पकड़ के चढ़ते हैं या जहाँ पर भी सीलन होती है पहाड़ों में, वहाँ पर आप देखिएगा झरनों के आसपास आपको बहुत सारे फर्न लगे हुए मिलेंगे। तो हम उसी नेचुरल हैबिटेट को यहाँ रेप्लिकेट करेंगे। तो अगर आप ऐसे वुड के ऊपर इसको, फर्न को वुड के ऊपर ऐसे माउंट करते हैं तो ये एक बहुत सुंदर डेकोरेशन पीस बन जाता है और ये बहुत अच्छे से चलता भी है। तो उसके लिए चाहिए क्या आपको दोस्तों, आपको वुड के पीसेस चाहिए। ये कारपेंटर से बचे हुए पीसेस हैं जो मैंने लिए हुए हैं, दो पीसेस हैं। और थोड़ा सरफेस उसका खुरदरा हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई भी बात नहीं, प्लाई पे भी चलेगा, ये प्लाई ही है पैक में। और उस पर मैंने क्या किया है, ये जो बोर्ड पिन्स है ना, बोर्ड पिन्स साइड में लगाई हैं क्योंकि हमको इसको टाई करना होगा नायलॉन के धागे से। तो अगर आप ये पिन नहीं सपोर्ट नहीं होगा तो वो धागा इधर उधर खिसकता रहेगा। तो ये मैंने दो बना लिए हैं बोर्ड, जिनमें एक बोर्ड पिन साइड में लगा के टाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज हम बनाते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ी सी स्पैग्नम मॉस, जो मैंने अच्छे से गीले करके निचोड़ ली है। स्पैग्नम मॉस आपको मिल जाती है नर्सरी में। और मेरा सॉयल है, सॉयल क्या है, वो कोकोपीट का सॉल्यूट जो मैंने बना के रखा हुआ है मिट्टी, वो है, इसमें कोकोपीट पर लाइट है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके गोला सा बना लिया ना, गोला सा बना लिया, इसमें हमने थोड़ी सी सॉइल ऐसे करके चिपकानी है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम सॉइल होती है जब ये चट्टानों पे चलते हैं तो। और ये जो है इस पे हमको लगाना है, तो हम इसकी जड़ें ऐसे रख के और इसको इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, ऐसे रख देंगे। इससे क्या हुआ, इसके अंदर मिट्टी है, और मिट्टी नहीं, कोकोपीट सॉइल है, और इसकी जड़ें, ये देखिए ये जड़ है, ये भी चल जाएगा, इसको भी हम इसी में लगा देते हैं। और ऐसे करना है आपको, ठीक है, ऐसे करके इसको अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, मिट्टी इसी के अंदर है, और इसको अच्छे से सिक्योर कर लिया। और उसके बाद क्या करेंगे हम, ये नायलॉन की डोरी है, नायलॉन की डोरी है, इससे इसको अच्छे से बांधेंगे। पहले किसी एक उस पर इसको अटका लेंगे और इसको फिर हम अच्छे से ऐसे ऐसे करके सिक्योर करेंगे ना, ये जो आपकी जो पिन्स है ना, इससे सिक्योर हो जाएगा। और अब हम इसको यहाँ कैंची से काट के, कैंची से काट के इसको ऐसे अच्छे से बांध देते हैं। ये देखिए ऐसे अच्छे से सिक्योर हो गया और इसको आपने अच्छे से बांध दिया। अच्छा, फर्न को क्या है कि मॉइस्ट चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है, और पर बहुत अगर सॉगी होगा तो वो पसंद नहीं करता है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा आपका एक हैंगिंग
ये इसको आप कहीं भी टांग सकते हैं। अब इसमें आपको बस एक चीज का ध्यान देना है, और वो है कि इसमें आपको इसको मॉइस्ट रखना है। और इसको पानी देने का क्या तरीका है, किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में पानी रख के और उसमें इसको डिप करना होगा। इसको स्प्रे करने से इसके अंदर तक मिट्टी पानी नहीं पहुंचेगा। तो आप इसको किसी बड़े बर्तन में, बाल्टी में पानी करके उसमें थोड़ी देर डिप करके और ऐसे निकाल लें, और फिर थोड़ी देर रख दें। जब इसका पानी निचड़ जाए तो आप इसको कहीं पे भी टांग सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फर्न, इसका नेचुरल हैबिटेट आपने रेप्लिकेट किया कर दिया है। जैसे नेचर में ये पकड़ के चलता है, वैसे ही ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मेरे पास एक और ये है, ये कंगारू फर्न है, कंगारू फिट फर्न है। और इसमें ये देखिए, यहाँ जड़े हैं, यहाँ जड़े हैं, तो हम इसको भी ऐसे ही माउंट कर देंगे और ये भी बहुत सुंदर से डिस्प्ले होगा। अभी इसके पत्ते इस खराब हो गए हैं, क्योंकि शायद बीच में मैं पानी देना कभी इसमें कम रह गया था, तो इसलिए इसके पत्ते जल से गए हैं। पर हम इसको इसको भी इसी तरह से बहुत आसान तरीका है, और कोई ऐसा आपको कुछ स्पेशल कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। पर ये जब इसमें जब चलता है तो ये बहुत सुंदर लगता है। खाली ड्राइंग पिन है, जो बोर्ड पिन है, उससे इसको सिक्योर करने के लिए मैंने इसमें साइड में बना दिया है, साइड में वो बोर्ड पिन लगा दी है, जिससे ये अपनी जगह से ना खिसके। आप चाहें तो अगर नायलॉन की रस्सी ना हो कोई बात नहीं, आप उससे सुतली से भी, बहुत सुतली से देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि सुतली नेचुरल फाइबर है तो वो देखने में भी अच्छी लगती है। इस तरह से आपने इसको सिक्योर कर दिया। तो दोस्तों ये इस तरह से, यहाँ देखिए इसके नए पत्ते अभी निकल रहे हैं जड़, तो ये सिक्योर हो जाएगा। और जब इसको पानी मिलेगा, बस आपको इसको ध्यान देना है कि ये सूखे नहीं, मॉइस्ट रखना है और छाया में रखना है। फर्न्स को धूप नहीं पसंद होती, क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट में, आप देखिएगा नालियों में भी किनारे कितनी फर्न्स, जंगली फर्न निकल आते हैं। अगर बड़े बड़े नालों में जब किनारा सीलन होती है, काई जम जाती है, तो उसमें फर्न निकल आते हैं। तो ये देखिए, ये एक कंगारू फुट फर्न है, इसको भी मैंने ऐसे माउंट कर दिया है। इसको ब्यूटिफाई करने के लिए आप, अगर आपके पास मॉस हो तो इसके ऊपर और मॉस लगा सकते हैं, या ड्राई आर्टिफिशियल ग्रास आती है या कुछ भी, मतलब वो तो आपके ऊपर है, आप इसको ब्यूटिफाई करने के लिए कर सकते हैं। मेरे पास आर्टिफिशियल ग्रास है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास लगा के इसको थोड़ा और सुंदर बना दूंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो, जिसमें आपको आशा है ये पसंद आया होगा। और आप भी ऐसा सुंदर फर्न को माउंट करके, अगर आपके पास कम जगह है, ऐसे सुंदर इनको आप इंडोर भी रख सकते हैं, बस बशर्ते कि वहाँ पर इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट आती हो, और आप इसको पानी में डिप करके और पानी दे के फिर सुखा के टांग सकते हैं। बस मॉइस्चर मेंटेन करना है इसका। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझे और भी प्रेरणा देते हैं कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों।